अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। ज़िला डीसी कंपाउंड में यहाँ पर एहतजाज जारी है भाजपा की जानिब से। वह पटाओ देश बचाओ, इस तरह का नम भूमि नम हक, इस तरह की एक मुहिम एक तहरीक छेड़ी है। हमारे साथ बीजेपी कार्यदर्शी मैडम राज्य कार्यदर्शी उज्ज्वला पड़वन्नावर हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले भी बात कही थी कि किसी हाल में जमीन, मैडम ये वफ मतलब दान देना, किसी को दान देना, मुसलमानों में या इस्लाम में किसी को दान दिया जाता है तो उसे वफ की प्रॉपर्टी कहा जाता है। जब कोई मुसलमान अगर अपनी प्रॉपर्टी वफ करता है तो आपको इससे एतराज़ क्या है, उसके प्रॉब्लम क्या है? जी आप इतिहास में अगर देखते जाएंगे, हमें किसी भी मुसलमान को जो ज़मीन देते हैं मुसलमान, उसको हमको कोई एतराज़ नहीं है। मगर 1995 में जो कानून दिया, मतलब वफ्त को ज़्यादा पावर दिया, वो पावर क्या कहता है कि जो भी वफ्त की वफ्त अगर दिखाए कि ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर की ज़मीन मेरी है, तो यह कहने के लिए एतराज़ है। और आप मुसलमान के लिए बात कर रहे हो तो आज वफ्त कानून यह भी कह रहा है कि मुसलमान के ज़मीन को भी वफ्त नोटिस दे रहा है। तो हमारा यही कहना है कि जिसकी ज़मीन है उसको दीजिए, आप वफ्त का कायदा दुरुपयोग करें। आज की अगर ज़मीन अहमद की अगर बात की जाए तो वो वफ्त अदालत की भी घोषणा कर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैडम कि अगर ज़मीन दान दी गई है तो उस पर कोई कॉलोनी बनाया, कोई मकान बनाया, वो गलत ही है, क्योंकि कोई पुण्य हासिल करने के लिए दान देता है, वो वफ करता है। वफ के मुराद ये दान देना है। तो अगर कोई दान दे रहा तो आपको क्या एतराज़ है उसमें? वैसे ही दान हमारे हिंदू के भी मंदिरों को दिया जाता है। क्या मंदिरों के लिए मुजराई इलाका नहीं है तो वफ के लिए क्यों अलग कानून? वो बोर्ड है ना, वही तो उसके लिए गवर्नमेंट के माध्यम से चलता है। गवर्नमेंट हिंदुओं के मंदिर के लिए किसी भी इसके लिए अगर प्रार्थना के लिए दे रहे हैं तो मुजराई गवर्नमेंट गवर्न करता है। मगर वफ्त ऐसा कानून है कि जो भी जमीन अगर देना हथियाना चाहता है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। हमें किसी भी मजहब के लिए हम द्वेष नहीं कर रहे। हमारा कहना है कि जो आपकी ज़मीन है उसी में रह लो, आप हर एक की ज़मीन देने लेने का आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन भाजपा को जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कांग्रेस की जानिब से कि आप ध्रुवीकरण, मजहब का ध्रुवीकरण, धर्म का ध्रुवीकरण, जाति का ध्रुवीकरण, और उसके ऊपर ये लैंड जिहाद, थूक जिहाद, तमाम तरह के जिहाद लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस पर आप क्या? जी मैं कहना चाहूँगी यह हो रहा है, जो भूमि के लिए हथियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अगर आप धोरण देखोगे, किसी ही मजहब के लिए कोई भी योजना नहीं बनाया। हमने अगर योजना बनाया है तो सभी के लिए योजना बनाए। धर्म देखकर हमने गैस नहीं दिया, धर्म देखकर हमने पानी जल हर घर नहीं दिया। हमारा जो कहना है इस देश में जो कोई रहता है उसको समान दृष्टि से देखना चाहिए। मैडम देश में कई सारे मसाइल हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, 80 करोड़ लोग राशन का चावल खाकर गुजारा कर रहे हैं, कई सारे इश्यूज होने के बावजूद आप मुसलमानों के पीछे पड़े इस तरह का इल्जाम लगाए। जी आप एक बात पर जानो, ये भूमि जो है ना भरत भूमि है, भरत भूमि है ये, और जो मुसलमान के लोग आए थे या आक्रमण कर आए थे, अगर हम अपनी जमीन के लिए नहीं होंगे तो हम क्या पाकिस्तान जाए? वो मुसलमान के लिए पाकिस्तान की जमीन नहीं दी गई? नहीं नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे आपने कहा कि मुगलों ने यहाँ पर राज किया, तो मुगलों ने यहाँ पर तो भारत का नाम तो बदलाया नहीं, हिंदुस्तान ही रखा, धर्म का उस टाइम पे भी नहीं किया गया, इस तरह की भी बात इतिहास में दर्ज है। तो मैडम आप इतिहास के अगर पन्ने उलटते चाहोगे तो कितनी हिंदुओं की कत्ल हो गई है, आप उसको ध्यान में रखकर पूछो, क्योंकि यह जो इतिहास है ना भरत भूमि के लिए, आज हम भारत एक ही हिंदू राष्ट्र है, अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमको क्या पाकिस्तान में आप जगह दोगे? नहीं नहीं, आप बार बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान को भाजपा से ही मोहब्बत ज्यादा है क्या? क्योंकि पाकिस्तान की मिसाल क्यों दी जाती है, उससे क्या लेना देना? देखिए जब भारत का विभाजन हुआ था, मुसलमान के लिए पाकिस्तान दिया गया था और भारत में रहने वाले हिंदू कहकर, मगर वो जो अपीसमेंट का राजकरण है उसकी वजह से आज उनका यहाँ के मुसलमान भी, उसमें सभी मुसलमान नहीं कहूंगी, मगर ज्यादा जो वक्त के
में वक्त का बुरखा डालकर अगर सामान्य किसानों के जमीनों को हत्यारना चाहते हैं तो उसके लिए भारतीय जनता, भाजपा को भी किसान विरोधी कहा जाता है, बिल भी आपको वापस लेना पड़ा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ही है हर नागरिक को यहाँ पर सुविधाएं पहुँचाए, किसानों को साथ में लेकर या सामान्य जो भी लेबरर्स है उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि है। और भारत ही नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति है, और इसके खिलाफ अगर जाएंगे तो आप, मैं बोलती हूँ, अगर आप पाकिस्तान के लिए जाओगे वहाँ पर आपको हिंदू मुसलमान कहा जाएगा, तो उसके लिए आप सोचो। ये जमीन जो है ना सेक्युलर कहते हो, पर नीति आपकी जब वक्त की जो कानून आते हैं तो उसके लिए सेक्युलर क्यों नहीं बनते आप? यहाँ पर भारत में कई सारी एनआरसी से एक ही भी बात कही जा रही है, भारत के कई सारे जो है बिजनेसमैन ताजिर वो दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं, आप बाहर से हिंदुओं को लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी, जो आप हमारे जो कानून बने, मुझे एक मुसलमान पूछो कि यहाँ से आप मोदी के खिलाफ डराने के लिए कि यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी कहा? मैं एक बात पूछती हूँ, मोदी की सरकार आने के बाद में कौन सा मुसलमान यहाँ का बर्बाद हुआ है? कौन सा मुसलमान बाहर? यहाँ के जो हिंदू है, यहाँ के जो मुसलमान नहीं हिंदू ताजे यही रहेंगे अगर वो जेपी अब्दुल कलाम 6 लाख लोग यहाँ से मुल्क छोड़कर बाहर जाने की बात ऑन रिकॉर्ड बताई जा रही है। जी देखिए, सिर्फ बातें करने के लिए बहुत आसान, गूगल छोड़कर जाओ कहो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सर्वधर्म समभान का दृष्टिकोण ही भारतीय जनता पार्टी निजात रूप से ले रहा है। वक्फ बोर्ड के परी बात करेंगे, वक्फ बोर्ड जब जमीन मुसलमान की है तो उसको ये लेकर इतना हंगामा क्यों किया जा रहा है? कब कहा है कि आप दरगाह के लिए नमाज मत पढ़ो दरगाह में, मगर जो वक्त कानून का गैर उपयोग हो रहा है वो मुसलमानों की जमीन के लिए भी, क्योंकि वो कमर्शियल बन रही है। वक्त का कानून यह भी कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, मगर इबादत करने के बजाय वहाँ पर जाकर कमर्शियल दृष्टिकोण हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी हम आवाज उठा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों का यहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है? धार्मिक लोग मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बोलते हैं और मॉब लिंचिंग की जा रही है, इस तरह से डराया नहीं जा रहा है? एक देखिए, ये भारत देश है जहाँ पर अजान 5 बार होती है, अगर हमने जय श्री राम कहा तो कौन सी गुनाह किया? क्या इतना भी हमको अधिकार नहीं है? ये डराने के लिए नहीं है, आपकी अजान के लिए भी लिमिटेशंस डाला है, इतना साउंड होना चाहिए, मगर अजान उतना जोर से आप करते हो, यह बिल्कुल गलत है कि यहाँ का मुसलमान भी अमन चाहता है, यहाँ का हिंदू भी अमन चाहता है, मगर हमारी जमीन, अगर किसानों की जमीन हत्या चाहते हो तो हम रस्ते पर उतरेंगे, हम आंदोलन करेंगे। नहीं, आपने मस्जिद और मंदिर की बात कही तो मस्जिदों पर जाकर भगवा झंडा लगाया जा रहा है, वो क्या सही है? कहाँ पर लगाया गया है? कई सारे खबरें आ रही है मैडम, कहाँ पर लगाया है? आप ऐसे मत पूछो, हमने कभी भी यहाँ के अगर मस्जिद अगर आबादित है तो हमारे हिंदू दृष्टिकोण के, क्योंकि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम है, इसीलिए आबादित है, हमको चेतावनी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा मैडम, आज इस्लामिया ग्राउंड में वक्फ की जमीन बचाओ बोलकर मुसलमानों का भी एक प्रोग्राम है, क्या वो प्रोग्राम को शह देने के लिए आज ये प्रोटेस्ट? जी ऐसा कुछ हमारा दृष्टिकोण नहीं है, हमारा दृष्टि यही है कि यह जमीन हमारी है, हमारी जमा हमारे खेती बाड़ी किसानों के लिए जो करते हैं, आज आप अगर जाओगे यहाँ से, मतलब पूरा हमारे शाहपुर का भाग जो है, आनंदवाड़ी का प्रदेश है, वहाँ पर कौन रहता है, उन सबको नोटिस दिए गए, क्या नोटिस देने के बाद में हमको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है? ऐसा आप जब जमीन वक्फ की है तो उसके ऊपर मकान बांधने की क्या जरूरत है? देखिए यहाँ पर मेरा भी जो आनंदवाड़ी की मैं रहवासी हूँ, वहाँ पर मेरे परदादा भी रहते रहे हुए, वहाँ पर पूरे हमारा समाज का हमारा घर है, उसके बाद में अगर कोई आकर कहता है कि यह जमीन वक्फ की है तो हम आवाज नहीं उठाएंगे, और वक्फ का कानून क्या है कहता है, आप ही नोटिस भेजोगे, आप ही हमारे पास ही आ जाओ निर्णय लेने के लिए, आप ही निर्णय दोगे, तो यहाँ पर इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे, हम चाहते हैं कि इस देश में एक ही कानून रहना चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू हो।
वफ जो जेपीसी बनाई जा रही है, कमिटियां बनाई जा रही है, कई सारे कानून बदले जा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि जो वफ की इसमें है तो लोग हिंदू भी रहेंगे, इस तरह से उसमें है कई सारे पॉइंट्स में, तो हिंदुओं के किसी भी संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में क्या मुसलमानों को भी दाखला दिया जाए? जी हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी सेल भी है, भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी सेल है, हमारे नेता शहनाज भी है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम मुसलमान के लिए यहाँ पर दूसरा कानून नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं हिंदू के लिए वही कानून हो, मुसलमान के लिए भी वही कानून हो, क्योंकि यहाँ जो जड़ का प्रॉब्लम है ना वो कानून हो, वक्त कानून, वक्त जमीर अहमद जो है ना वो अलग अलग अदालत बनाने के जा रहे, हम उसके लिए निषेध कर रहे। अगर आपके और मेरे बीच में कोई तकरार है तो हम सिविल को जाने का, मगर मुसलमान और हिंदू के बीच में अगर जाने का है तो हमें वक्त में जाने का, ये कौन सा अधिकार है? जी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सिद्धरामैया